इंदौर के तिलक नगर में एटीएम चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोर गैस कटर लेकर एटीएम को काटने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए और सामान को वहीं छोड़कर भाग निकले। तिलक नगर क्षेत्र में चोरों ने शुक्रवार रात एटीएम लूटने का प्रयास किया। आरोपी गैस कटर लेकर पहुंचे और एटीएम को काटकर पूरी मशीन ले जाने की कोशिश की। हालांकि चोर अपने इरादों पर कामयाब नहीं हो पाए और वहां से भाग निकले। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गैस कटर और अन्य हथियार जब्त कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रात में 11 बजे तक, 8 से 11 में हूँ, रात में कोई नहीं देखा, 11 बजे हमें नहीं देखा, अभी भी मैं खड़ा हूँ। चोरों की वारदात देर रात हुई। चोर गैस कटर लेकर एटीएम पहुंचे और पहले सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया। इसके बाद चोरों ने पहले एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया, जब वे नाकामयाब हो गए तो गैस कटर से एटीएम को काट दिया। उन्होंने एटीएम का बाहरी गेट काटकर अलग कर दिया था और भीतर वाला लॉक काट रहे थे। उन्हें लोगों की आवाजाही का अंदेशा हुआ और वो गैस कटर मशीन मौके पर ही छोड़कर भाग गए। ये आज बीती रात में ICICI बैंक का एटीएम है, इसमें एटीएम को कटर से तोड़ने का प्रयास किया गया लेकिन सफल नहीं हो पाए। अभी कार्रवाई हो रही बैंक मौके पर, कटर है, टंकी है, सफल नहीं हो पाया। रात दिन में रहता है ये बता रहा है, अभी तो बता रहा है कि 11 बजे रात में रहता है, 11 बजे बाद चला जाता है, रात में कोई गाड़ी रहता बता रहा है, दिन में रहता है। सूचना के बाद बैंक के आला अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस क्षेत्र के सीसीटीवी के जरिए चोरों का पता लगाने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।